ये बड़ है। यहाँ पर प्राचीन समय से इसको कम से कम 1200 साल हो गए। ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। यहाँ पर पहले राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर तपस्या किया हुआ था। उन्होंने आकर उनको वरदान दिया था, जो मुझे पीली वस्तु चढ़ाएगा या पीला दान चढ़ाएगा, पीला कपड़ा चढ़ाएगा। यहाँ पर जैसे पीली वस्तु चढ़ती है यहाँ पर, उसका कोई प्रकार का ऋण रहता है, माता का, पिता का, गुरु का या परिवार का, किसी प्रकार का ऋण हो वो यहाँ पर उतरा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पर प्राचीन समय से। ले जाओ भैया पीलोदान, इन मुक्तेश्वर महादेव को पीलोदान या पीलोदान चढ़े भैया। ले जाओ इन मुक्तेश्वर महादेव को पीलोदान, ले जाओ भैया पीलोदान, इन मुक्तेश्वर महादेव को पीलोदान या पीलोदान चढ़े भैया। ले जाओ पीलोदान। जय श्री महाकाल। अवंतिका नगरी में, महाकालेश्वर की नगरी में, शिप्रा किनारे ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी आए थे। उन्होंने यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान, तपस्या की, भगवान की पीली पूजा की, अभिषेक किया, जिससे ऋण मुक्तेश्वर भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में गेंडे के भार के समान स्वर्ण प्रदान किया, जिससे राजन अपने समस्त ऋण से मुक्त हुए। और यहाँ पर शनिवार का दिन विशेष माना जाता है, जहाँ भगवान का भांग से श्रृंगार होता है और श्रृंगार उपरांत खीर के प्रसाद वितरण की जाती है। ये शिप्रा तट है। यहाँ पर शिप्रा माँ, ये घाट शिप्रा तट कहते हैं इसको। अनादिकाल से एक है यहाँ पर। ये नाथ संप्रदाय का आश्रम है, इसको मठ बोला जाता है। इसको भरतरी गुफा से देखा जाए तो वहाँ से चलता है ये। प्राचीन समय से है ये वट वृक्ष। यहाँ पर राजा दक्ष ने भी यहाँ पर तपस्या किया हुआ था। फिर ये वीरभद्र महाराज हैं यहाँ पर। ये इन्हों को अगर कोई भी, पहले जैसे बोला जाता है कि नंदी को अपन कोई बात कान में ऐसे बोला जाता है ना, वो ऐसे वीरभद्र कान में बोला जाता है। कोई मनोकामना पूरी हो तो वीरभद्र कान में जैसे बोला जाता है। और वीरभद्र जी है वो महादेव को ऐसे बोलते हैं। भाई किसी की मनोकामना कोई प्रकार की होती है ना, तो यहाँ पर हर शनिवार का महत्व है। 5 शनिवार कोई करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ओम श्री ऋण मुक्तेश्वर देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम द्योः शांतिरन्तरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वाष्टसकलोपद्रौ शान्तिर्भवतु। ऋणमुक्तेश्वर देवताभ्यो नमो नमः। पहले यहाँ पर थे बुद्धनाथ जी महाराज, फिर हुए यहाँ पे संतोषनाथ जी महाराज, फिर गुलाबनाथ जी महाराज हुए यहाँ पर। उनके बाद में मुझे गादी बिठाया गया जी, फिर योगी महावीर नाथ जी महाराज ने। ये सारी नाग संप्रदाय यहाँ पर नियुक्त करा जाता है, किसी को महंत को बिठाना यहाँ। फिर यहाँ का देखरेख रामनाथ जी महाराज, पीर जी महाराज है भरतरी गुफाल है, उन्हों की देखरेख में बिठाया गया जी। और यहाँ पर जैसे महादेव का मंदिर सामने है, इधर धुना है, इधर सामने गौ माता है, और इधर की साइड में जैसे घाट आ गया है, शिप्रा नदी भी है यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर सब गांव से बाहर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपना जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पे महादेव के दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं।